The topic for today is deficit financing. We'll start with budget. Budget enrolls the income and expenditure of the government. ये जो गवर्नमेंट का बजट आता है इसमें गवर्नमेंट अपनी इनकम पैसा आ कहाँ से रहा है और एक्सपेंडिचर पैसा खर्च कहाँ हो रहा है उसके बारे में टोटल डिस्क्रिप्शन देती है. इनकम ऑफ द गवर्नमेंट कम्स फ्रॉम द रेवेन्यू. रेवेन्यू मतलब जब पैसा आता है उसको किसी भी सोर्स से पैसा आता है वो सारा डिस्क्राइब किया जाता है और किसी भी जगह पर पैसा खर्चा जाता है वो भी सारा डिस्क्राइब किया जाता है. सो इट इनरोल्स द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. व्हेन द एक्सपेंडिचर सरपासेस द इनकम. कभी ऐसा होता है कि खर्चा ज़्यादा हो जाता है और इनकम कम होती है. मान लीजिए एक्सपेंडिचर है 21,000 करोड़ का और इनकम है 20,000 करोड़ की, तो खर्चा ज़्यादा हो गया इनकम कम हो गई, तो ये बन गया एक हमारा गैप. अगर तो ये उलट होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी. 21,000 अगर इनकम होती और 20,000 खर्चा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी. दिक्कत तब आती है जब खर्चे आपके ज़्यादा हैं और इनकम आपकी कम है, तो ऑटोमेटिकली एक गैप क्रिएट हो जाता है. दिस गैप व्हेनेवर इट अराइजेज इज इट कॉल्ड अ नेगेटिव बजट. नेगेटिव बजट सिंबलाइजेज दैट एक्सपेंडिचर इज मोर एंड द इनकम रेवेन्यू इज लेस. इस गैप को हम बोलते हैं डेफिसिट. डेफिसिट माने ये गैप विच रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू. आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर कि जब जब खर्चा ज़्यादा हो जाएगा इनकम कम हो जाएगी तो गवर्नमेंट की, तो उसको हम एक गैप बोलते हैं और इसी गैप का दूसरा नाम है डेफिसिट, कम कम हो जाना. द अदर वर्ड इन डेफिसिट फाइनेंसिंग इज फाइनेंसिंग. फाइनेंसिंग मतलब फाइनेंस करना. जैसे हम कहते हैं हमने अपनी गाड़ी फाइनेंस करवाई. फाइनेंस करवाई मतलब किसी और ने हमें पैसा दिया ना उसको खर्चा करने के लिए. तो फाइनेंसिंग हेयर मीन्स बोरोइंग. सो टू फिल दिस गैप और टू फिल दिस डेफिसिट, हम उस गैप को भरेंगे कैसे भैया? उस गैप को भरने के लिए पैसा चाहिए. दिस फाइनेंस, फाइनेंस हेयर मीन्स बोरोइंग. उस घाटे को, गैप को फिल करने के लिए हम पैसा अरेंज करेंगे, बोरो करेंगे. सो डेफिसिट फाइनेंसिंग इज जनरेट फंड्स टू फाइनेंस द डेफिसिट. डेफिसिट माने गैप, गैप को फाइनेंस करने के लिए, गैप को भरने के लिए, पूरा करने के लिए हम फंड्स जनरेट करेंगे, हम पैसा लाएंगे. पैसा कहाँ से लाएंगे? ये है हमारी डेफिसिट फाइनेंसिंग. We discuss here the balanced budget. Balanced budget कब होएगा? जब expenditure is equal to revenue. 21,000 करोड़ का खर्चा है और 21,000 करोड़ की ही हमारी इनकम रेवेन्यू है, तो इट्स अ बैलेंस्ड बजट. कोई चक्कर, कोई टेंशन नहीं है. टेंशन होती है जब अनबैलेंस्ड बजट होता है, जब हमारा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू के इक्वल नहीं होता. या तो ज़्यादा होगा या ये ज़्यादा होगा, राइट? जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, अभी हमने जैसे बताया, तो वो डेफिसिट होता है, वो गैप होता है. और जब एक्सपेंडिचर कम है और रेवेन्यू ज़्यादा है, आपकी इनकम ज़्यादा है और खर्चा कम है, तो वो होता है सरप्लस. लेकिन हमारी इंडिया के जैसे कंट्री में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ये सरप्लस बजट तो इट्स लाइक यू कैन से इट्स जस्ट अ नॉमेनक्लेचर, इट्स जस्ट इन द नेम, इट डजंट एग्जिस्ट. हियर डेफिसिट बजट ही जनरली होता है. जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो रेवेन्यू कम है, तो ये हमारा डेफिसिट बजट कहलाता है. वी मूव फर्दर नाउ. व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग? डेफिसिट फाइनेंसिंग की अभी हम आपको यहाँ दो डेफिनेशंस दे सकते हैं. इट इज़ अ मेथड. What is it? It is a method of meeting government deficit through creation of new money. अभी हमने बताया कि ये गवर्नमेंट का डेफिसिट हो जाता है, गैप हो जाता है, उसको भरिए, उसको मीट कीजिए. कहाँ से करेंगे? न्यू मनी क्रिएट कीजिए और उस गैप को भर दीजिए. ठीक है ना? उसको भरना तो पड़ेगा ही, राइट? नाउ इफ़ यू आर हैविंग 15 रुपीज़ और आपने 20 रुपीज़ का खर्चा करना है, तो आप 5 रुपये मम्मा से, पापा से, फ्रेंड से, ब्रदर से, किसी से लेकर आओगे, राइट? ना तो गवर्नमेंट तो कांट डू दिस. गवर्नमेंट क्या करेगी? न्यू मनी क्रिएट करेगी ताकि गवर्नमेंट का डेफिसिट भर जाए, फुलफिल हो जाए वो गैप. सेकेंड डेफिनेशन विच वी कैन डिस्कस ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग हेयर इज जनरेट फंड्स टू फाइनेंस द डेफिसिट. फिर वही बात आ गई, एक गैप है हमारा, उसको हमने फिल करना है. उसके लिए फंड्स आएंगे बातों से, या बुक्स में तो नहीं भर सकता, अनटिल अनलेस यू गेट मनी, यू गेट द फंड्स टू फिल दैट गैप.
So this is deficit financing. Now the next question arises कि ये जो gap हो गया ये भरोगे कैसे, कहाँ से आएगा पैसा? It is covered by, there are two ways, borrowing from the public. You know, borrowing from the public, लोगों से पैसा लीजिए. Second, printing new currency. Who prints this currency? Obviously RBI. Reserve Bank of India has the loan right to print new currency. So these are the two methods जिनसे ये gap भर सकता है. अभी जब हम borrowing from the public की बात करते हैं पैसा लेने के लिए, हम इसको two segments में divide करते हैं. Internal debt ले लीजिए, सरकार को उधार लेना पड़ेगा, borrow करना पड़ेगा, या external debt ले लीजिए. पहले आते हैं इंटरनल डेट. इंटरनल डेट अंदर अपनी कंट्री के अंदर से पैसा इकट्ठा कर रही है गवर्नमेंट, डोमेस्टिक टेरिटरी से, विदेश से नहीं, विद इन द बॉर्डर. दिस कैन बी फर्दर बॉन्ड एंड ट्रेजरी बिल्स. गवर्नमेंट इश्यूज बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स टू द जनरल पब्लिक टू कलेक्ट द मनी टू फिल दिस गैप फॉर द डेफिसिट फाइनेंसिंग. अब पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा पब्लिक से मांगते हैं, जिसके लिए हम बॉन्ड्स इशू करते हैं और ट्रेजरी बिल्स इशू करते हैं. ट्रेजरी बिल्स आर जनरली द बॉन्ड्स विच आर लेस देन फॉर वन ईयर, द मेच्योरिटी पीरियड इज लेस देन वन ईयर, दे आर कॉल्ड ट्रेजरी बिल्स. नाउ दीज आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू आरबीआई. सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको इशू करती है आरबीआई के थ्रू, एंड देन पीपल बाय दीज बॉन्ड्स एंड द गवर्नमेंट गेट्स मनी फॉर दिस. Secondly, it can also happen by the small savings. Small savings schemes issue करती है government. For example, post office. आप देखिए post office में जाके account खोलिए, वहाँ पर आप अपना पैसा deposit कीजिए. वहाँ पर एक KVP, किसान विकास पत्र योजना होती है. For example, you can buy that one KVP, किसान विकास पत्र. You buy it for 10,000 and after say a period of 6 years or a period of 7 years, they will double the amount and give it to you. तो ये स्मॉल सेविंग्स के लिए पोस्ट ऑफिस में स्कीम्स बनाई है गवर्नमेंट ने, जिससे वो मनी कलेक्ट करती है. सो इंटरनल डेट डोमेस्टिक टेरिटरी में हमने ये दो इशू आपके साथ डिस्कस किया, बॉन्ड एंड ट्रेजरी बिल्स, एंड द सेकंड इज स्मॉल सेविंग्स विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस. नाउ वी कम टू एक्सटर्नल डेट. गवर्नमेंट ऑल्सो बोरोज आउटसाइड द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, जिसमें सबसे पहला आता है NRI डिपॉजिट. दोज पीपल हु आर सेटल्ड आउटसाइड अब्रॉड, उनसे भी गवर्नमेंट डिपॉजिट्स लेती है फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, एंड डेफिनेटली दे अर्न बाय इंटरेस्ट. पीपल हैव दिस एल्योरमेंट कि सरकारी है चलो ले लेते हैं, एंड देन यू गेट इंटरेस्ट ऑल्सो, एंड इन रिटर्न गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है ना. सो NRI डिपॉजिट होता है जिससे गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करती है. सेकेंडली, लोन्स फ्रॉम अदर नेशंस. वर्ल्ड बैंक से भी लोन लिया जा सकता है और इंडिविजुअल नेशंस से भी लोन जो है वो लिया जा सकता है. ऑल दिस कम अंडर एक्सटर्नल डेट. बुलेट ट्रेन के लिए जापान से लिया है ना लोन, सो दिस विल कम अंडर एक्सटर्नल डेट. सो द फर्स्ट पॉइंट, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, वी हैव डिस्कस्ड, इट कम्स फॉर इंटरनल डेट एंड एक्सटर्नल डेट. एंड ऑफ कोर्स ये तो सबको ही मालूम है, प्रिंटिंग न्यू करेंसी प्रिंट करता है, उससे भी हमारा पैसा इकट्ठा हो जाता है जो हम ये गैप भर देते हैं. नाउ इन इंडिया, इन डेवलपिंग कंट्रीज, डेफिसिट फाइनेंसिंग इज अलाउइंग द गवर्नमेंट टू ऑब्टेन नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अभी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बूस्टर्स बहुत ज़रूरी हैं. इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ प्रायोरिटी विच नीड्स फाइनेंसेस. अब गवर्नमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान भी देना है. प्रायोरिटी हियर मीन्स बहुत ज़्यादा उसको टॉप में रखना है कि मुझे इकोनॉमिक ग्रोथ पे पैसा खर्चना है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा. फॉर द टोटल विकास ऑफ अवर कंट्री, गवर्नमेंट हैज़ टू इनपुट दिस इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए स्कूल्स बनाने हैं, रोड्स बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनाना है, ये सब किसने करना है? गवर्नमेंट ने ही करना है ना, तो उसको पैसा चाहिए. जब उसको इतना ज़्यादा पैसा खर्चे के लिए चाहिए, तो वो गैप भरने के लिए इंडिया जैसी कंट्री में तो डेफिसिट फाइनेंसिंग होनी ही होनी है, और ये करना भी गवर्नमेंट को ही है. प्राइवेट सेक्टर को तो बस अपना मनी और अपना प्रॉफिट चाहिए ना. दे विल बी जस्ट इन्वेस्टिंग इन दोज़
areas where they will be getting maximum money. They want more and more profit, maximize their profit. So it is the utmost responsibility of the government to give economic growth boosters, for which it obviously needs money, and that will come from deficit financing. Let us discuss a little more. What are the objectives of deficit financing? We say that Professor Keynes advocated that deficit financing in the economic policy removes the conditions of depression. Therefore, it raises the level of output and it raises the level of employment. अभी गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी, ज़्यादा पैसा लेकर आएगी मार्केट में, तो उससे क्या है, डिप्रेशन कम हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, मार्केट डिमांड बढ़ेगी, लोगों में ज़्यादा पैसा आएगा, रेज द लेवल ऑफ आउटपुट. अगर हमारी डिमांड बढ़ेगी तभी तो आउटपुट बढ़ेगा, तभी तो आप चीज़ें प्रोड्यूस करोगे, क्योंकि लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, वरना कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है तो कोई प्रोड्यूस ही नहीं करेगा. जब आउटपुट का लेवल बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, आउटपुट का लेवल बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली लोगों में एम्प्लॉयमेंट भी तो आएगी. तो ये जो डिप्रेशन वाले कंडीशंस हैं, इसको रिमूव करने के लिए अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कीन्स, ही स्टेट्स दैट दिस डेफिसिट फाइनेंसिंग इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. सेकेंड पॉइंट सेज दैट इट इज व्हाट डेफिसिट फाइनेंसिंग इज एसेंशियल फॉर फाइनेंसिंग द प्लान्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्पेशली इन अंडर डेवलप्ड नेशंस, एज वी डिस्कस्ड ऑन द प्रीवियस पेज, कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, ये डेफिसिट फाइनेंसिंग ही पूरी करती है. इतना रेवेन्यू तो है नहीं ना गवर्नमेंट के पास सरप्लस की, उतना रेवेन्यू आ गया और सारा का सारा इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्टर पे लगा दिया. इट्स नॉट देयर इन दीज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. सो टू फाइनेंस दीज मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वी नीड मनी, एंड हियर कम्स डेफिसिट फाइनेंसिंग आवर रिजॉर्ट. थर्डली, इट इज़ यूजफुल फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ सरप्लस आइडल एंड अनयूटिलाइज रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी. आई टोल्ड यू दैट द गवर्नमेंट गोज टू पब्लिक बोरोइंग, है ना. तो इंडिया में जितने लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा उनके लॉकर में पड़ा है, उनकी अलमीराज में पड़ा है, व्हेन द गवर्नमेंट विल बी इशूइंग बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स आई टोल्ड यू, तो वो लोग वो बॉन्ड्स खरीदेंगे और वो पैसा गवर्नमेंट को जाएगा. तो जो पैसा अलमीरा में ऐसे ही पड़ा था, डेड इन्वेस्टमेंट पड़ी थी, उसका यूज़ आया ना, लोगों को भी इंटरेस्ट का प्रॉफिट मिला और गवर्नमेंट ने भी उस पैसे को किसी चीज़ में, किसी अर्थ में लगा दिया. सो टू मोबिलाइज दैट सरप्लस, दोज फंड्स विच वर लाइंग आइडल इन योर अलमीराज, गवर्नमेंट इशूज दोज बॉन्ड्स, पीपल बाय इट, एंड सो द मनी जनरेशन टेक्स प्लेस ऑफ दैट डेड इन्वेस्टमेंट. सो यूजफुल फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ सरप्लस आइडल, बेकार पड़ा था पैसा, सिर्फ अलमीरा में ही पड़ा था, एंड अनयूटिलाइज रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी. ये डेफिसिट फाइनेंसिंग में जब पब्लिक बोरोइंग वाली चीज़ आती है तो ये चीज़ हमारा फुलफिल करता है. थर्ड पॉइंट. फोर्थली, मेथड ऑफ मीटिंग फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ वॉर फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर फाइनेंसिंग वॉर एक्सपेंडिचर. अब ये वॉर के टाइम पे देखिए, यू नीड सो मच ऑफ मनी, यू नीड सो मेनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आर देयर. सो द गवर्नमेंट नीड्स मनी, गवर्नमेंट ऑलवेज नीड्स मनी इन वेरियस फील्ड्स आई से, बट इन टर्म्स ऑफ वॉर ऑल्सो यू नीड एम्पल मनी, राइट, रेजिंग रिसोर्सेज फॉर फाइनेंसिंग वॉर एक्सपेंडिचर. एकदम से प्रॉब्लम आ गई, पैसा चाहिए, तो फिर ये डेफिसिट फाइनेंसिंग ही हमारा लास्ट रिजॉर्ट रहता है. सो वी डिस्कस हियर फोर पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग. इन द वीडियो टू फॉलो वी शैल डेफिनेटली डिस्कस इज डेफिसिट फाइनेंसिंग इन्फ्लेशनरी. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. इन द मीन टाइम लेट मी नो any comments, any suggestions, you're more than welcome. Kindly like and subscribe to my channel. Thank you. Stay safe.